बहुत पुराने समय की बात है। गोपालगंज नाम का एक शहर था। इस शहर में रोहित अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था। रोहित कोई काम नहीं करता और घर में खाली बैठा रहता था। हमेशा वह समय बर्बाद करता और सब पर बेवजह गुस्सा होता रहता था। वह चालाक भी बहुत था। वह अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके घर के लोगों को बेवकूफ बनाता था। उनकी मासूमियत का गलत इस्तेमाल करके अपना काम बना लेता था। घर के सब लोग उसको बहुत मानते थे, इसलिए उसकी बातों में हमेशा आ जाते थे। वह घर के सभी लोगों को आसानी से बेवकूफ बना लेता था। रोहित की उम्र हो चुकी थी। वह धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था, फिर भी उसकी चालाकियां कम नहीं हो रही थी। रोहित की पत्नी का नाम मेघना था। वह एक सरकारी नौकरी करती थी। घर के सारे खर्चे उठाती थी। उसने अपने दम पर अपने बच्चों को बड़ा किया और इस लायक बना दिया कि वह अपने पांव पर खड़े होकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। वह नौकरी के साथ साथ घर का सारा काम भी अच्छे से संभाल लेती थी। वह एक अच्छे और ईमानदार व्यक्तित्व की महिला थी। ऑफिस में भी उसको सब लोग बहुत मानते थे। उसकी ईमानदारी की सब लोग बहुत तारीफ करते थे। उसने आज तक अपना सारा काम समय पर किया था। कभी भी कोई बहाना नहीं बनाया, इसलिए कंपनी का मालिक भी उसको बहुत सम्मान देता था। सारे काम का निर्णय उसके साथ बैठकर ही लेता था। मेघना का बड़ा बेटा जितेंद्र था। वह एक सरकारी नौकरी करता था, अच्छे पैसे कमा रहा था। उसकी जिंदगी भी अच्छे से चल रही थी। वह एक अच्छा और नेक दिल इंसान होने के साथ साथ बहुत ही मासूम स्वभाव का था, इसलिए उसके पिता सबसे ज्यादा उसको ही बेवकूफ बना देते थे। दूसरे बेटे का नाम मितेंद्र था। वह एक प्राइवेट नौकरी करता और अपना ही देखता था। उसने अपने जीवन में अपने सिवाय किसी को भी महत्वता नहीं दी थी। मितेंद्र बहुत मतलबी और घमंडी इंसान था। उसको अपने पैसे पर बहुत घमंड था। घर के सारे लोगों से वह बहुत कम बात करता था। वह अपने में ही हमेशा लगा रहता था। इसी तरीके से पूरे परिवार की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। कुछ दिनों के बाद रोहित में बदलाव आने लगा। वह घर से पैसे चोरी करने लगा और बाहर जाकर पैसों को खर्च करने लगा। यह बात शुरुआत में किसी को पता नहीं चली, लेकिन धीरे धीरे घर के सभी लोगों को पता चल गया, घर से पैसे गायब हो रहे हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था पैसे कौन चुरा रहा है। रोहित ऐसे ही पैसे चुराता रहा और खर्च करता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, मेघना ने अपने पति को पैसे चुराते देख लिया। मेघना ने उस समय तो अपने पति को कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने दोनों बेटों के सामने यह सारी सच्चाई बता दी। यह देखकर मेघना और उसके दोनों बेटों ने बोला, अब हमें आपके साथ नहीं रहना है, अब हम घर छोड़कर जा रहे हैं। आप अकेले रहिए और अपना जीवन व्यतीत कीजिए। रोहित सोचता था, मैं तो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर लूंगा, इनकी कोई जरूरत नहीं है। उसने बोला, तुम सब जाओ, मुझे तुम सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर लूंगा। तभी कुछ दिनों के बाद सब लोग रोहित को छोड़कर चले गए। सब लोग बाहर एक किराए के मकान में रहने लगे। रोहित को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके पास जो पैसे जमा थे उसी पैसे से अपना खर्चा चलाने लगा। लेकिन धीरे धीरे रोहित की उम्र बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वह घर का काम नहीं कर पा रहा था। उसको घर के सारे काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन उसने अपने चालाकी का इस्तेमाल करके एक काम वाली रखी। उसको केवल खाना पीना देता और पैसे नहीं देता था। वह काम वाली को बोलता, तुम काम कर लो और यहीं पर अपना खाना पीना देख लो,
मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, बस खाना ही दे सकता हूँ। काम वाली उसके बातों में आ जाती है, घर का सारा काम करती है, वहीं पर वह रहने लग जाती है। काम वाली का भी कोई नहीं था, इसलिए वह घर पर आराम से रहती और खाना उसको तो मिल ही रहा था। उसकी भी जिंदगी ऐसे ही अच्छे से चलने लगी। दूसरी तरफ उसके दोनों बेटे खुशी खुशी रह रहे थे। मेघना ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी और दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगे। जब मेघना ने अपने पति को शादी में बुलाया तब रोहित ने मना कर दिया था, इसलिए दोनों बेटों की शादी में रोहित दिखाई नहीं दिया। सभी रिश्तेदारों ने खूब पूछा, लेकिन मेघना ने कैसे भी करके सारे माहौल को संभाल लिया। मेघना के दोनों बेटे अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों नौकरी कर रहे थे, इसलिए दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। मेघना भी अपना जीवन अपने दोनों बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। उधर दूसरी तरफ रोहित काम वाली के साथ अपना जीवन बिताने लगा, लेकिन रोहित की नियत फिर से बदल गई। वह सोचने लगा कि यदि मैं इसी तरह से काम वाली को खाने के लिए देता रहा तो मेरे लिए सारा खाना खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने काम वाली को बोला, आज से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम बस घर का काम करो और अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हें पैसे भी बाद में दे दूंगा। काम वाली ने सोचा, मैं सारे पैसे एक बार में ले लूंगी, मेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा। इसलिए उसने भी रोहित की बात मान ली। कुछ दिनों वह तक ऐसे ही काम करती रही। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए। तब काम वाली ने अपने पैसे मांगे तो रोहित बोला, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें काम छोड़ना है तो छोड़कर चले जाओ। इस बात पर काम वाली बहुत दुखी होती है। वह पुलिस थाने में जाकर शिकायत कर देती है। पुलिस वाले रोहित को पकड़ कर ले जाते हैं, पूछताछ करने लगते हैं। काम वाली बोलती है, इसने मेरे से काम करवाया लेकिन मेरे पैसे नहीं दिए। तब रोहित बोलता है, मैंने इसको पहले ही बोला था, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, मैं केवल तुम्हें खाना दे सकता हूँ। इस बात पर काम वाली बोलती है, यह बात तो सही बोली, लेकिन फिर बाद में इसने मुझे खाना देना भी बंद कर दिया, इसलिए मैंने यह शिकायत की है, आप इसको पकड़ लो। पुलिस वालों ने रोहित को जेल में बंद कर दिया। पुलिस ने बोला, तुम अपने घर वालों को बुलाओ, नहीं तो तुम यही सड़ते रहो। रोहित ने अपने पत्नी का पता पुलिस को बता दिया। पुलिस वाले मेघना के घर पहुंचते हैं, उसे बताते हैं उसके पति ने कैसे एक काम वाली को धोखा दिया और वह जेल में बंद है। तभी मेघना अपने दोनों बेटों के साथ पुलिस थाने आती है, रोहित को छुड़वाती है। रोहित भी अब समझ गया था, अब मैं अपना जीवन अकेले नहीं जी सकता, अब मेरी उम्र हो चली है। उसने अपने पत्नी और अपने दोनों बेटों से माफी मांगी, बोला, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, आप मुझे माफ कर दो, मैं अब से चोरी नहीं करूंगा और कभी भी आप सबको बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, मैंने आप सभी का दिल दुखाया है, हमेशा बेवकूफ बनाया है, आज के बाद से मैं यह सारे काम छोड़ दूंगा, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करूंगा, तुम सब लोग मेरे घर आ जाओ, सब लोग साथ में रहेंगे। मेघना ने अपने पति को माफ कर दिया, बोला, आज के बाद से कोई भी शिकायत आई तो हम लोग जिंदगी में कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। रोहित भी इस बात के लिए मान जाता है। घर के सभी लोग एक साथ मिलकर रहने लगते हैं, अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने परिवार के लोगों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अपने परिवार के लोग ही बुरे समय में मदद करते हैं।
बाहर वाले बुरे समय में केवल आपका फायदा उठाएंगे और आपको बर्बाद कर देंगे, लेकिन आपके परिवार वाले बुरे समय में आपकी मदद करेंगे और आपका हौसला कायम रखेंगे। हमें अपने चालाकी का इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अपने घर के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक बूढ़ा व्यक्ति अपने चालाकी का इस्तेमाल करके घर के लोगों को बेवकूफ बनाता था, उनको बेवकूफ समझता था, लेकिन जब वह अपने चालाकी का इस्तेमाल करके जेल पहुंच गया, तब उसको समझ में आया कि हमें चालाकी का इस्तेमाल अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। अपने घर के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अपने चालाकी का इस्तेमाल करके अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे।